टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा के रहने वाले 3 आरोपियों को मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में ठाणे शहर के काशर वडौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है मोहम्मद रफीक अहमद असलम शेख और दूसरे आरोपी का नाम है करण विजय तेलकर और तीसरे आरोपी का नाम है मुशर्रफ अहमद कुरैशी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर मोबाइल चोरी के 33 मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी आईटी पार्क और मॉल्स में चलते समय किसी से भी टकरा जाते थे और इस दौरान ये झगड़ा कर धक्का मुक्की करते थे और धक्का मुक्की के दौरान जेब से मोबाइल पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने अब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे आगे पूछताछ भी जारी है। इस पूरे मामले में सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश सोनावने ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई थी 25 जून 2022 को कासरवडोली पुलिस स्टेशन में। एप्पल कंपनी का मोबाइल गुम हो गया या स्नैच किया, इस तरह की एक FIR लिखी जा चुकी थी विनायक बाबाजी सावंत के द्वारा। इस FIR के आधार पर जब सीनियर PI बापशेट्टी साहब ने और उनकी टीम ने इसके बारे में छानबीन करना शुरू किया तो टीम के तौर पर एक जानकारी मिली PSI भूपेश साळुंके साहब को और उन्होंने रवि स्टील नाका से 3 आरोपियों को, उनके जो नाम है मोहम्मद रफीक अहमद असलम शेख, करण विजय तेलकर और मुशरफ रईस अहमद कुरैशी, जो तीनों मुंब्रा के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया। और पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि इन्होंने अब तक 33 मोबाइल 33 मोबाइल अब तक उन्होंने चुराए हैं और मोबाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बरामद किए हैं, छानबीन चालू है। और गौर करने की बात यह है कि इससे पहले जो 3 ऑफेंस रजिस्टर हुए थे कासरावडोली पुलिस स्टेशन में, उनकी भी एक कोई ना कोई कड़ी इन 3 आरोपियों से शुरू हो रही है, इस बात का हमें एक जिक्र करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो रफीक अहमद असलम शेख था उनके ऊपर 6 ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर है। इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस किया था हमारे DCP सर विनय कुमार राठौड़ सर ने बताया था कि इसमें थोड़ा सा हमें अवेयरनेस करना चाहिए, जैसे कि बस स्टॉप हो, जो भीड़ के जो भी प्लेसेस है वहाँ जाके थोड़ा सा अवेयरनेस किया था, हम किस तरह से हमें खुद को बचाना है ऐसे मोबाइल स्नैचिंग से। तो इसका एक छोटा सा ये जो प्रयास था, इस प्रयास के आधार पर ये ऑफेंस हमने रजिस्टर होने के बाद ये ऑफेंस के जो 3 आरोपी उनको ढूंढ निकाला है। तो ये जो पूरी कार्रवाई हमारे DCP राठौड़ सर इनके गाइडेंस में, हमारे सीनियर PI बापशेट्टी सर और उनके जो भी टीम है, धुमाल साहब, योगेश आवाड़ साहब, साळुंके साहब, इन सब ने अपनी टीम के साथ ये पूरी यहाँ से ऑफेंस को ढूंढ के निकाला है। सर, इतने बड़े पैमाने पर जो है मोबाइल इन लोगों से आज तक किए गए, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट होने की संभावना है? इसके पीछे रैकेट होने की संभावना है क्योंकि अगर हम ये देखें तो 33 मोबाइल्स उसके पास और जो जेवर है, जो साइलेंसर है, ये जो पूरा मामला है ये कि 1, 2 या 3 आदमी नहीं कर सकते, इसके पीछे रैकेट होगा। अभी छानबीन चले, पूछताछ के दौरान ये बातें बाहर आ जाएंगी।